हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग क्या इंग्लिश। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कंपैरिजन की। जैसा कि ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको सुनने में भी अच्छा लगेगा, सीखने में भी अच्छा लगेगा एंड बोलने में भी अच्छा लगेगा। बट गाइस, आई वुड लाइक टू आस्क यू, हाउ इज़ योर लाइफ गोइंग ऑन। सो गाइस, आपने नोटिस किया होगा कि मैं आपसे लगभग सभी वीडियोस में हाय, हेलो, हाउ आर यू तो करती ही हूँ। बट ये मैं आपको इसलिए बोलती हूँ ताकि आप सुनने के लिए हैबिचुअल हो जाइए, क्योंकि हो सकता हो आपको घर पे कोई ना बोलता हो हाय, हेलो, हाउ आर यू। सो गाइस, इन सब चीज़ों के लिए सुनना एंड बोलने के साथ साथ सुनना भी ज़रूरी है। अगर जब तक हम सुनेंगे नहीं, हमारे कान हैबिचुअल नहीं होंगे, हमारी टंग की ट्रेनिंग नहीं होगी, तो गाइस आप भी मेरे साथ बोलना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप सेम क्वेश्चन मुझसे पूछेंगे, हाउ इज़ माई लाइफ गोइंग ऑन, सो आई विल रिस्पॉन्ड यू, माई लाइफ इज़ गोइंग ऑन फिंटेस्टिक। फिंटेस्टिक, हमने लास्ट क्लास में एक वर्ड सीखा था, फिंटेस्टिक, आपको आता होगा, आप इसे बोलना भी सीख जाइए, माई लाइफ इज़ गोइंग ऑन फिंटेस्टिक। बात करते हैं कंपैरिजन की। जैसा कि गाइस आपने देखा होगा, घर में दो लोगों का कंपैरिजन होता है। अगर दो भाई हैं तो दो भाई का कंपैरिजन होता है, दो बहनों का कंपैरिजन होता है। अगर घर में दो बहुएं हैं तो उनका भी कंपैरिजन होता है, दो शहरों का भी कंपैरिजन होता है। आपको लगता है कि आपके घर में बहुत ज़्यादा हर जगह का एक कंपैरिजन हो रहा है, खाने में भी कंपैरिजन हो रहा है कि भाई ये सब्ज़ी अच्छी है या ये सब्ज़ी टेस्टी है। लोगों की आदत होती है, वो चीज़ों का कंपैरिजन कर देते हैं। बट एग्जैक्टली जो मेन पॉइंट है वो ये है कि हर किसी चीज़ की, हर किसी पर्सन की अपनी क्वालिटी होती है, अपना टैलेंट होता है। तो अगर हम कंपैरिजन ना करें तभी अच्छा होता है, क्योंकि अगर हम किसी भी चीज़ का कंपैरिजन कर रहे हैं तो शायद वो दूसरे को डिमोटिवेटेड कर दे। बट गाइस, ऑलवेज रिमेंबर, कंपैरिजन दो तरीके का होता है। एक तरीका कि आप पॉजिटिव कंपैरिजन कर रहे हो कि भाई ये जितना इंटेलिजेंट ये है उतना ही ये है, ना तो इसको प्रॉब्लम हुई ना उसको प्रॉब्लम हुई, दोनों को ही अच्छा लगा। बट अगर हम कंपैरिजन कर देते हैं कि भाई इससे ज़्यादा ये होशियार है या इससे ज़्यादा ये इंटेलिजेंट है, तो शायद इसको बुरा लगेगा। तो हमें कंपैरिजन हमेशा पॉजिटिव करते रहना चाहिए। आज हम पॉजिटिव कंपैरिजन की ही बात करने वाले हैं। जैसा कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं, एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है यहाँ पर, गोलू इज़ एज इंटेलिजेंट एज चिंटू। हमने दो लोगों को एक एग्जाम्पल्स के लिए लिया हुआ है, गोलू एंड चिंटू दो लोग हैं। अब हम इनकी ही बात करेंगे। एक हमने इंटेलिजेंट एक हमने क्वालिटी ले ली है। एंड गाइज, आई वुड लाइक टू मेक यू वन मोर थिंग क्लियर दैट कंपैरिजन दो चीज़ों का कर सकते हैं, या तो क्वालिटीज़ का या कंडीशंस का। क्वालिटीज़, जैसे आप होशियार हो सकता हो, इसमें से कुछ भी हो, आप हो सकता हो लंबे हो, छोटे हो, पतले हो, मोटे हो, गोरे हो, काले हो, कुछ भी हो सकता है कंपैरिजन में। या कंडीशंस की बात करें, हो सकता हो सैड हो सकता हो आप सैड हो सकता हो आप बहुत ज़्यादा खुश हो सकता हो आप खुश ना हो, ठीक है। अब हम कंपैरिजन देखते हैं, कैसे सीखेंगे, कैसे करेंगे। गोलू इज़, इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं अभी, जिससे कि मैं आपको ठीक से क्लियर कर पाऊँ। गोलू इज़ एज इंटेलिजेंट एज चिंटू, ठीक है। तो हमने यहाँ पे दो वर्ड्स लगाए हुए हैं, ये एज एंड एज, और उसके नीचे हमने ये कंपैरिजन के लिए क्वालिटी या कंडीशन, जैसा कि अभी लिखा हुआ था यहाँ पर, वो लगाया है इंटेलिजेंट। एक मैं यहाँ पे एव बना देती हूँ, ठीक है। जिन लोगों का कंपैरिजन हो रहा है वो ये हैं, ठीक है। इन्हें हम कार्टून बना देते हैं सो दैट आपको आसानी से समझ आ जाए। देखिए, मैंने बोला गोलू उतना ही इंटेलिजेंट है जितना कि चिंटू। गोलू इज एज इंटेलिजेंट एज चिंटू, ठीक है। अब मैं अपने घर की बात ले लेती हूँ। मेरा भाई उतना ही इंटेलिजेंट है जितना कि मेरी बहन। तो मैं यहाँ पे गोलू की जगह तो अपने भाई को ले लेती हूँ, माई ब्रदर, या माई ब्रदर बोल सकते हो, माई ब्रो बोल सकते हो। माई ब्रदर इज़ एज इंटेलिजेंट एज माई सिस्टर। मेरा भाई उतना ही समझदार और इंटेलिजेंट है जितना कि मेरी बहन, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे ये बोलना है, यहाँ पे मुझे इसकी क्वालिटी चेंज करनी है। भाई मुझे इंटेलिजेंट की बात नहीं करनी, मुझे लंबे की बात करनी है, ठीक है। मेरा भाई
उतना ही लंबा है जितना कि मेरी बहन, ठीक है। ये आप देख सकते हैं टॉल लिखा हुआ है यहाँ पे। तो हम कुछ नहीं करेंगे, बहुत सिंपल है। माई ब्रदर इज एज इंटेलिजेंट की जगह हम यहाँ पे लिख देंगे टॉल, ठीक है। माई ब्रदर इज एज टॉल एज माई सिस्टर, दो चीज़ों का कंपेरिजन हो गया कि भाई ये इतना ही लंबा है जितना कि ये, मेरी भाई इतना ही लंबा है जितना कि मेरी बहन, ठीक है। अब गाइज ये तो हमारा कंपेरिजन हो गया। कभी कभी होता है कि हम शहरों की भी बात कर लेते हैं, जैसा कि आगरा उतना ही सुंदर है जितना कि देहरादून, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी आगरा, आगरा इज एज ब्यूटीफुल एज देहरादून। भाई अमेरिका उतना ही सुंदर है जितना कि यूके, अमेरिका इज एज ब्यूटीफुल एज यूके। भाई आपको बोलना है कि हलवा उतना ही अच्छा है, उतना ही टेस्टी है जितना कि रसगुल्ला, तो मैं यहाँ पर लिखूँगी हलवा इज़ एज टेस्टी एज रसगुल्ला, ठीक है। आपको एक स्ट्रक्चर समझ में आ गया। अब हम बात कर लेते हैं क्वालिटीज़ एंड कंडीशंस की। देखिए ये है बाइस, बाइस का मतलब होता है समझदार। इंटेलिजेंट एंड वाइस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इंटेलिजेंट होता है जो हर चीज़ में अपना इंटेलिजेंस शो करे, उसको लगता है जैसे मैथमेटिक का सॉल्व करना वो इंटेलिजेंस ही है। बट बाइस जो होता है, बाइस कोई भी हो सकता है, बाइस अनपढ़ भी हो सकता है, जिसे डिसीजन लेने में समझदारी हो, उसको पता हो क्या सही है क्या गलत है, उसको हम बाइस भी बोलेंगे। बट इंटेलिजेंट का मतलब हो गया कि किसी क्वालिटी को, उसको पर्टिकुलर उसका कोई टैलेंट होना, जैसे कि किसी का डांस करने में बहुत अच्छा, उसको डांस करना अच्छा लगता है, उसे नए नए स्टेप्स आते हैं, तो ही इज़ इंटेलिजेंट इन डांसिंग। बट अगर बाइस की बात करें तो बाइस तो मम्मा भी हो सकती हैं, क्योंकि मम्मा को खाना बनाना आता है। तो गाइज ये इन सब चीज़ों के छोटे छोटे डिफरेंसेस है, बाद में बात करते रहेंगे, बहुत बड़ा चैप्टर है इसका। बाइस की बात कर लेते हैं। अब मुझे अपने घर में कंपैरिजन करना है कि मेरी चाची उतनी ही समझदार है जितनी कि मेरी मम्मा। माई चाची इज़ एज बाइस एज माई मम्मा। फास्ट की बात कर लेते हैं। फास्ट मतलब तेज। मेरा नेफ्यू, मेरा जो भतीजा है, वो उतना ही जल्दी काम कर देता है जितना कि मेरी बहन। तो मैं बोलूँगी माई नेफ्यू इज़ एज फास्ट एज माई सिस्टर। ग्रेट की बात कर लेते हैं। भाई मेरे दादाजी उतने ही अच्छे हैं जितने कि मेरे नाना जी, ठीक है। दोनों का मैंने कंपैरिजन किया। माई ग्रैंड फादर इज़, या मैं बोल सकती हूँ माई दादाजी इज़ एज ग्रेट एज माई नाना जी, ठीक है। काम, काम का मतलब तो शांत रहना, जो घर में शांति रखता हो, ज़्यादा लड़ाई झगड़ा ना करता हो, उत्पाद ना बचाता हो, तो उसे बोल सकते हैं काम। तो मैं बोलूँगी भाई मेरा जो घर में अक्सर आप देखते होंगे चाचा जी होते हैं, काफ़ी काम होते हैं, काम से काम मतलब होता है, तो मेरे चाचा जी उतने ही काम है जितने कि मेरे ताऊ जी। माई चाचा जी इज़ एज काम एज माई ताऊ जी। ब्यूटीफुल की बात कर लेते हैं। मेरी भाभी जी उतनी ही सुंदर हैं जितनी कि मेरी ताई जी। माई भाभी जी इज़ एज ब्यूटीफुल एज माई ताई जी। रिच की बात कर लेते हैं। भाई मेरे जो चाचू हैं वो उतने ही रिच हैं, उतने ही अमीर हैं जितने कि मेरे नाना जी। तो मैं बोलूँगी माई चाचू इज़ एज, या माई चाचा जी इज़, या मेरा माई अंकल भी बोल सकते हो, माई अंकल इज़ एज रिच एज माई नाना जी। ब्रेव मतलब बहादुर होना। भाई अगर मैं बात करूँ अपने भाई की, तो वो तो किसी से भी नहीं डरता, कुत्ते को बंदर को किसी को भी भगाने के लिए भी वो सामने ही खड़ा हो जाता है। ब्रेव, तो मैं बोलूँगी माय ब्रदर इज़ एज ब्रेव एज माय फादर। मेरे पापा को भी डर नहीं लगता किसी से, तो हम दोनों का कंपैरिजन कर सकते हैं। पोलाइट, प्यार से बात करना, हम प्यार से बात करने की बात कर सकते हैं। हमारे रिलेशंस होते हैं, हमारे स्कूल टीचर्स होते हैं, तो मैं बोलूँगी माय साइंस टीचर उतनी ही पोलाइट हैं जितनी कि मेरी ड्राइंग टीचर। माय साइंस टीचर इज़ एज पोलाइट एज माय ड्राइंग टीचर। सैड, सैड का मतलब उदास हो जाना। तो गाइस सैड की बात करें, मान लेते हैं घर में आपको देखा कि आपकी बहन आई हुई है, बहुत सारे बच्चे भी हैं और घर खिला खिला है, बट कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि बहन को अपने ससुराल जाना पड़ा। तो अक्सर घर के कुछ लोग होते हैं जो सैड हो जाते हैं,
तो मैं बोलूँगी भाई ये तो उतनी ही परेशान है, उतनी ही उदास है जितनी कि मम्मी। मम्मी तो उदास हो ही गई कि भाई उनकी बेटी चली गई, बट उसकी छोटी बहन भी उदास हो गई। तो मैं बोलूँगी माई यंगर सिस्टर इज एज सैड एज माई मॉम, ठीक है। डल, डल का मतलब बुद्धू, क्लास में हम बोल सकते हैं भाई सीता इज या गीता इज, कुछ भी बोल सकते हो, नाम का कंपैरिजन कर लो आप, क्लासमेट्स का कंपैरिजन कर लो। माय फ्रेंड इज एज डल एज योर फ्रेंड। पॉपुलर, दो किताबों का आप कंपैरिजन कर सकते हो, भाई ये किताब उतनी ही पॉपुलर है जितनी कि ये किताब। किसी भी स्टोरी का आप कंपैरिजन कर सकते हो, ये स्टोरी इतनी ही पॉपुलर है जितने की ये। अब बात करें खाने पीने की चीज़ की, आपको लगता है कहीं के छोले भटूरे आपको बहुत पसंद ना, वो पॉपुलर भी हैं, तो आप बोल सकते हो भाई ये छोले भटूरे उतने ही पॉपुलर हैं जितने की मोमोज। तो आप बोल सकते हो छोले भटूरे इज़ एज पॉपुलर एज मोमोज। मोमोज की जगह आप कुछ और भी चीज़ लगा सकते हो। टेस्टी, टेस्ट की अगर हमें कंपैरिजन करना हो कि भाई ये इतना ही टेस्टी है भाई जितना ये, इसको भी उतना खाने का मन करेगा, उसको भी खाने का मन करेगा, ऐसा नहीं है। अगर हमें चॉइस दी जाए तो हमें दोनों ही चीज़ें अच्छी लगेंगी, तो हम बोल सकते हैं इट इज़ एज टेस्टी एज दिस। राजमा चावल इज़ एज टेस्टी एज छोले चावल, दोनों का ही कंपैरिजन हमने कर दिया। क्लीन, भाई मेरा घर उतना ही साफ है जितना कि आपका। माई हाउस इज़ एज क्लीन एज योर हाउस। बिग, बिग की बात कर ले तो हम बोल सकते हैं कि मेरा जो ग्राउंड है वो उतना ही बड़ा है जितना कि अंबानी का। तो आपको दो कंपैरिजन करने हैं। माई प्ले ग्राउंड इज एज बिग एज अंबानीज प्ले ग्राउंड। चीप, चीप मतलब सस्ता। आप बोल सकते हो कि भाई मेरी ड्रेस उतनी ही सस्ती है जितनी कि तुम्हारी। माई ड्रेस इज एज चीप एज योर ड्रेस। सो गाइज ये आपके एग्जाम्पल्स के लिए होगा। इसके अलावा और भी आप बहुत सारी चीज़ों का कंपैरिजन कर सकते हैं। अपने क्लास में खड़े हो जाइए, आप बता दीजिए भाई ये उतनी ही सुंदर है जितनी कि ये। आप उसका नाम भी बोल सकते हो कि भाई ये इतना ही स्मार्ट है जितना कि ये, इसकी हैंड राइटिंग इतनी ही साफ़ है जितनी कि उसकी, साइंस टीचर उतनी ही स्मार्ट है जितनी कि ये। जहाँ पर भी जाओ आप कंपैरिजन कर सकते हो, चाहे आप घर पे हो, मार्केट में हो, बाहर हो, फ्रेंड्स के साथ हो, क्लासरूम में हो, ट्यूशन में हो, डांस क्लासेस में हो, कहीं पर भी हो कंपैरिजन कर सकते हैं। मैंने आपको तरीका बता दिया है, और भी तरीके करना सीखेंगे, बट अभी हमने एक पॉजिटिव तरीका सीख लिया कि दो चीज़ों की क्वालिटीज़ को कंपेयर करना और दोनों की सेम लगभग होना कैसे करेंगे। सो गाइज वी विल बी मीटिंग अगेन, हम वापस मिलेंगे विद अ न्यू क्लास कुछ समथिंग स्पेशल के साथ। So this is the end of the class. Thank you so much. Have a nice day. Thank you.